हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रेस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं निशा की रसोई में बनाने जा रही हूँ नारियल पार्क, जो नारियल से हम बनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी के प्रसाद के तौर पर। ये बनता है बहुत जगह पर, इसके भोग लगाया जाता है। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से। आप 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका नारियल पार्क बनकर रेडी हो जाएगा। बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, चाशनी अच्छे से बने और जो हमने चाशनी बनाएंगे वो बिल्कुल अच्छे से रेडी होनी चाहिए। और इसमें दो ही चीज़ों से हम बनाना बताएंगे और बिल्कुल अच्छी नारियल पाक बनकर तैयार होगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए आप इसे ज़रूर बनाएं और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, झटपट बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट भी करते रहिए और बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नारियल पाक बनाने के लिए मैंने ये नारियल का गोला ले लिया है। इस तरह से आप कोई भी गोला ले सकते हैं। आप नारियल के बुरादे से भी नारियल पाक बना सकते हैं। मेवा पाक भी बनता है जन्माष्टमी पर, नारियल पाक भी बनता है जो कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है। तो उससे हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। इस नारियल को हम कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे कद्दूकस करके फिर आपको दिखाते हैं इससे हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है नारियल को, आपको दिखा दूँ। ये 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा नारियल का गोला था, तो ये मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप किसी भी कद्दूकस से इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। तो जो नारियल पाक बनता है वो इसी तरह से खड़े नारियल को घिसकर ही बनता है। तो मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। और दो चीज़ से ही हम नारियल पाक बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नारियल को नाप लेती हूँ कितना हुआ है, उसी हिसाब से हम मेजरमेंट करके हम इसका चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी रख ली है, उससे हम नापेंगे। तो ये एक कटोरी हमारा ये नारियल हुआ, एक कटोरी, दो कटोरी और ढाई कटोरी। तो ढाई कटोरी हमारा नारियल तैयार हुआ है घिसकर। तो उस हिसाब से हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे ढाई कटोरी नारियल है, तो चलिए अब इसकी चाशनी बनाना शुरू कर। तो फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब उसमें हम, जैसे कि ढाई कटोरी हमारा नारियल घिसा हुआ है, तो हम एक कटोरी पानी लेंगे। जितना हम चीनी लेंगे उसका आधा पानी लेंगे। तो यहाँ पे हम दो कटोरी चीनी ले रहे हैं, जिससे कि हम इसका पाक बनाएंगे। तो ये उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने नारियल नापा था, उसी कटोरी से सारा मेजरमेंट करेंगे। तो दो कटोरी हमने यहाँ पे चीनी ले ली है और एक कटोरी हमने यहाँ पे पानी रखा है। तो बस इसमें पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है जिससे कि पाक हमारा अच्छे से बन जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसे स्टीम करते हुए बनाना है कि चीनी अच्छे से पिघल जाए। तो ये बहुत ही जल्दी नारियल का पाक बनकर तैयार होता है और बहुत जगह पे इसे प्रसाद के तौर पे ही यूज़ किया जाता है। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप बिना उसके भी प्रसाद के उसे आप बना के इसे खा सकते हैं। 15 से 20 दिन तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से बस स्टेम करते जाना है जैसे ये खुल जाए। चाशनी फ्रेंड्स गाढ़ी रखनी है हमें, पतली नहीं होगी, जिससे कि अच्छा सा हमारा पाक बनकर तैयार हो। नारियल यहाँ पे आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने मेजरमेंट बताई है फ्रेंड, तो बस वैसे ही मेजरमेंट से आप किसी भी कटोरी ग्लास से मेजरमेंट कर लीजिएगा। उसी मेजरमेंट से ही आप चीनी लीजिएगा। पाक बनाने में चीनी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। यहाँ पर हमारी चीनी घुलने लगी है, आप देख सकते हैं। बस इस तरह से स्टीम करते हुए इसे हमें अच्छा सा चाशनी तैयार कर लेंगे जो पाक है। आप पाक मेवे का भी बना सकते हैं फ्रेंड्स,
गोंद का भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप किस चीज़ का बनाना चाहेंगे। तो नारियल का पाक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, नारियल सबके पास मिल जाता है। तो देखिए मेरी चाशनी में घोल आ रहा, उबाल आना शुरू हो गया है झाग जैसा। बस इसको 2 मिनट हम अच्छे से पका लेंगे, इस तरह से चलाते हुए ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। बहुत ही कम टाइम लगता है नारियल घिसने के बाद, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपकी चाशनी भी रेडी हो जाएगी और आप इसको पाक बनाकर भी रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक हमारी चाशनी बन रही है, तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हम अपने नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे गैस का फ्लेम लो करके। बस हल्का सा हमको इसको सेकना है और कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नारियल अच्छे से सिक चुका है, आप देख सकते हैं हल्का सा कलर भी आ गया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। तो जब आप भूनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें से हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। तो फ्रेंड्स दूसरा बैच भी नारियल हमारा भुन चुका है, अब इसे हम सारे नारियल एक साथ में कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ मेरी चाशनी भी रेडी हो गई है, मैं चेक करा देती हूँ। इस तरह से देखिए चिपकना स्टार्ट हुई है, बस इस तरह से हमारी चाशनी को रेडी करना है। तो बस अब यहाँ पर हम अपना नारियल का बुरादा जो हमने घिसा था, नारियल सेक के रखा था, उसे हम डाल लेंगे और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। 2 मिनट लगेंगे इसके साथ में, हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करके पका लेना है जिससे कि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। फ्रेंड्स जब तक हमारी वो रेडी हो रहा है पाक, तब तक देखिए मैंने एक प्लेट में देसी घी लगा लेना है, कोई भी ऑयल भी आप लगा सकते हैं रिफाइंड ऑयल। तो बस इस तरह से लगा के जिससे कि हमारा पाक चिपके ना, मैंने ये रेडी कर लिया है प्लेट। और इधर फ्रेंड्स इस तरह से इसको चलाते जाना है। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसे हमें बनाना है। तो इस तरह से इसको स्टन करते हुए चाशनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। पाक बनने के लिए हमारा नारियल देखिए रेडी हो गया है। बस यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम बंद करके 2 मिनट इस तरह से 1 मिनट के लिए चला लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने प्लेट पे निकाल ली है। आप किसी भी चम्मच के सहायता से इस तरह से दबा के बर्फी का सेट देने के लिए दबा के सेट कर लें, चाहे आप इस तरह से कोई भी कटोरी ले लें इसे इस तरह से दबा देंगे तो ये जल्दी सेट हो जाएगा। अभी गर्म है तो हाथ लगाइएगा मत, इसे अच्छे से सेट कर लेना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स गर्म ही गर्म में इसे हमें चाकू से निशान लगा लेना है जितनी जैसे बर्फी आप काटनी है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये कटेगा नहीं, तो निशान पहले लगा लेंगे तो या इजीली कट जाएगा। तो इस तरह से चाकू से दबाते हुए हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है, जम गया है और प्लेट को अपने आप ही इसने छोड़ दिया है। देख सकते हैं इस तरह से, आप चाहे तो इस तरह से तोड़ लीजिए, चाहे इसके पीसेस निकाल लीजिए। तो मैं बहुत ही इजीली इसके पीसेस को निकाल लूँगी इस तरह से हाथ से, जो हमने निशान बनाया है उसी जगह से ये कट भी जाएंगे। तो इस तरह से इसके पीसेस को हम निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ये जो हमने कट के निशान बनाए हैं इससे इस तरह से पीसेस निकल आएंगे, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा नारियल का पाक तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नारियल पाक बनकर रेडी हो गया है, कितना सुंदर बना हुआ है आप देख सकते हैं।
कितना अच्छा हमारा नारियल पाट बनकर तैयार हुआ है। तो इस जन्माष्टमी इसे बनाएं और कृष्ण जी को भोग लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले। अपलोड वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो फ्रेंड्स सपोर्ट मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।